पार्वतीपुरम नाम के गांव में चलपति नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास जो है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपने काम में लालच से रिश्वत लेना शुरू करता है। उससे ऊंचे अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला जाने पर उसकी नौकरी छूट गई और वो घर बैठा रहा। तब उसकी पत्नी बेबी ऐसे कहने लगी, हे जी सुनिए, मैं आपको बहुत बार बोली कि ईश्वर की कृपा से आपके हाथ में अच्छी नौकरी है। आई तनख्वाह खुद खर्चा करके रहे सो में संतुष्ट से जीवन व्यतीत करेंगे करके, लेकिन आप तो मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। आखिर में देखिए क्या हुआ, रिश्वत लेने के आरोप में आपको सस्पेंड कर दिए। ये सब क्यों जी बताइए, अब हम कैसे जिएंगे? ऐसे कहती है। तब चलपति ऐसे जवाब देने लगा, देखो मुझे क्या करना है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि कितने दिनों तक ऐसे नौकरियों पर और आए तनख्वाह पर निर्भर होके जिएंगे? कम से कम अभी तो उस भगवान ने कोई व्यापार करके जीने के लिए शायद ये मौका दिया है। देखती रहना, बहुत जल्द कोई व्यापार शुरू करके लाभ दिखाऊंगा मैं तुझे। ऐसे उसने अपनी पत्नी से शपथ करता है। पर उस दिन रात को अकेले एक कमरे में इधर उधर घूमते हुए ऐसे सोचने लगा, मैंने रिश्वत से जो संपत्ति अर्जित की थी वो सब जब्त कर लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास छुपाए हुए पैसे अभी भी ऐसे ही है ना। एक काम करता हूँ, पहले बड़े रकम में पैसे बाहर निकालने से सबको अनुमान आएगा, इसीलिए छोटे रकम में पैसे निवेश करके एक फास्ट फूड सेंटर खोलूंगा। ऐसे जैसे सोचा था वैसे ही चलपति एक अच्छे एरिया में एक मंचूरिया सेंटर शुरू करता है। मंचूरिया को कैसे तैयार करना है यहाँ वहाँ देख के सीखता है। जो सीखा है उससे लोगों के मुंह में पानी आए जैसे अच्छे से चिकन पीसेस को अच्छे से फ्राई करके लाए सुगंधित मसाले और सॉसेस मिलाकर तरह तरह के टेस्टी मंचूरियास बनाकर बेचना शुरू करता है। एक दिन एक बड़े आदमी पहली बार चलपति के मंचूरिया सेंटर को आकर उसके हाथ के बनाए मंचूरिया टेस्ट करके ऐसे कहने लगा, चलपति भाई तेरे पास मंचूरिया बहुत टेस्टी रहेगा करके इतने दिनों से सब कहने से मैं कुछ और ही सोचा। सच कहूँ तो मुझे बाहर का फूड जमता नहीं, पर तेरे हाथ से बनाए मंचूरिया मुझे बहुत पसंद लगता है, इसीलिए मैं हर रोज आकर खाता हूँ। हमारे एरिया में ऐसे स्वाद दिखाने आने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे बहुत तारीफ करता है। इस तरह चलपति का व्यापार रखे जगह अच्छी सेंटर होने के वजह से चलपति के बनाए मंचूरिया वेराइटीज बहुत टेस्टी लगने पर लोग चलपति के मंचूरिया सेंटर को आना शुरू करते हैं। ऐसे चल रहे व्यापार से आए हुए मुनाफे को देख रहे चलपति में हर बार की तरह फिर से लालच शुरू होता है। इसीलिए एक दिन घर जाते समय बीच रास्ते में ऐसे सोचकर जाने लगा, आखिर में मेरा व्यापार लोगों को पसंद आ गया, इसीलिए मुनाफा भी अच्छा आ रहा है, तो अभी निवेश कम करने का कोई तरीका देखने से मुनाफा तो वही रहेगा ना, मतलब क्या करने से अच्छा रहेगा। एक काम करता हूँ, मार्केट में सड़े हुए कैबेज और कैरेट फेंक देते हैं ना, एक बच्चे को पैसे देकर उनको मंगा लूंगा, उससे वेज मंचूरिया के लिए सब्जियां खरीदने की झंझाहट दूर हो जाएगी और नॉन वेज मंचूरिया के लिए दूसरा मार्ग सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचकर हर बार की तरह उसके वक्र बुद्धि को उसके मंचूरिया व्यापार में भी दिखाता है। इसीलिए एक बच्चे को हर रोज 100 रुपए देकर मार्केट से सड़े हुए सब्जियां मंगाने लगा। ऐसे दिन बीतते समय वो लड़का चलपति से ऐसे कहने लगा, भैया बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता था, हर रोज तुम मुझसे ये सड़े हुए सब्जियां मंगा रहे हो ना, इनसे तुम क्या करोगे भैया? ऐसे पूछने पर चलपति सावधान होकर ऐसे जवाब देने लगा, और कुछ नहीं भाई, मेरे जान पहचानत वालों के एक जगह थोड़े जानवर और बकरियां हैं, उन्हें खिलाने के लिए ही मंगा रहा हूँ।
ऐसे एक झूठ कह देता है। इस प्रकार उसके मंचूरिया व्यापार में सड़े हुए सब्जियां एक लड़के को सिर्फ 100 रुपए देकर थाली भर मंगा कर लोगों के स्वास्थ्य से व्यापार शुरू करता है। ठीक उसी समय नॉनवेज के लिए भी एक नकली विकल्प मिलता है। इस विषय पर एक दोस्त चलपति से ऐसे कहने लगा, तुमने जो मांगा था वो मैंने पता लगाया रे, हमारे गांव में नहीं बल्कि मैंने सुना है बगल के गांव में बचा हुआ मांस मिल रहा है, उसे बेचने वाला हम जो मांगते हैं उसके आधार पर वो बहुत कम कीमत पर दे देगा। अगर तुझे ठीक है तो उसका पता मैं दूंगा, तू जाकर रेट के बारे में बात करना। ऐसे कहने पर चलपति उस बचे हुए मांस को कम दाम में बेचे व्यापारी के पास जाकर सौदेबाजी शुरू करता है। आखिर में वो व्यापारी एक रेट कहने पर, ओ सब तो ठीक है लेकिन इस सड़े मांस से तुम क्या करना चाहते हो, ऐसे पूछताछ करता है। तब बिना हिचकिचाए चलपति ऐसे जवाब देने लगा, और कुछ नहीं भाई, हमें कुछ मछलियों के तालाबे हैं, उनमें मछलियों को दाना डालने के लिए इस सड़े मांस को ले जा रहा हूँ। ऐसे कहने पर वो व्यापारी सच मानकर बताए गए दाम पर सामान देना शुरू करता है और उसके बाद से उस खराब कच्चे माल से चलपति का मंचूरिया व्यापार पहले की तरह बहुत अच्छे और धूमधाम से चलने लगता है। लेकिन चलपति पर रहे भरोसे से उसके पास आकर मंचूरिया खाने वाले कोई भी नहीं जानते कि चलपति का लालच क्या है। इसीलिए सब लोग बहुत दिलचस्प से चलपति के बेचे नकली मंचूरिया को खाकर खुश होने लगे। एक दिन कुछ अधिकारी चलपति मंचूरिया शॉप के पास आकर ऐसे कहने लगे, क्या चलपति तुम ही हो, ऐसे बहुत गुस्से से पूछता है। तब चलपति ऐसे जवाब देने लगा, हाँ सर, बताइए कौन सा मंचूरिया चाहिए आपको, आप कहाँ से आए हो सर। ऐसे पूछने पर वो अधिकारी ऐसे जवाब देने लगा, फूड डिपार्टमेंट से। ऐसे कहने पर चलपति के दिल में पत्थर पड़ा जैसे होता है। तब वो अधिकारी ऐसे कहने लगा, हाँ आप बताओ, तेरे मंचूरिया सेंटर में उपयोग किए सभी सामग्री क्या फूड डिपार्टमेंट के नियमों के अधीन है। ऐसे पूछने पर चलपति निगल कर ऐसे कहने लगा, आहा, जैसे कि आपने कहा मेरे पास सब कुछ स्वादिष्ट और साफ सुथरे रहते हैं सर। तब अधिकारी ऐसे कहने लगा, बस करो तेरी झूठी बातें, तुम्हारे लिए सड़े हुए सब्जियां लाए वो लड़का, उसके साथ तुम्हारे लिए खराब मांस विक्रेता किए व्यक्ति को और उसको परिचय किए तेरे दोस्त सबको हमने पहले ही अरेस्ट कर लिए हैं। तुम्हारे पास खराब हुए पदार्थों से बनाए मंचूरिया को हर रोज खाए वो वृद्ध आदमी अब गंभीर हालत में अस्पताल में है। उनके घर वाले दिए कंप्लेंट के मुताबिक हम इंक्वायरी करने के बाद ही तेरे पास आए हैं। अब तुझे जरूर सजा मिलेगी। एक बार तुम जिम्मेदार नौकरी करके रिश्वत के आरोप में सस्पेंड हुए, अब और एक गलती करके कई जिंदगियों को खतरनाक स्थिति में ले आए हो, अब तुम्हें जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो अधिकारी चलपति को ले जाता है। इस प्रकार एक लालची मंचूरी व्यापारी ने जानबूझकर किए गलती के वजह से उसे जेल जाना पड़ा। एक बार मंजुलपुर नामक गांव में दो भाई सुनील और सुधीर रहते थे। बड़ा भाई होशियार मगर घमंडी था और छोटा भाई सुधीर बहुत दयालु था और लोगों से बहुत नरम दिल से पेश आता था। रोज सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता, 4 बोरी नारियल खरीदता और गांव के बाजार में बेच आता। इस तरह वह पैसा कमाता था और अपने परिवार का खर्च उठाता था। लेकिन सुधीर अपने बेटे को तैयार करने और उसे स्कूल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता था।
घर वापस आने के बाद वह फिर से घर से संबंधित कुछ काम करने के लिए जाता। वह सब कुछ वैसे ही करता जैसे उसकी पत्नी कहती। घर वापस आने के बाद वह दोपहर का खाना खाता और कुछ देर आराम करता था। लेकिन लीला जो उसकी पत्नी थी अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद सिलाई का काम करती थी और थोड़ा पैसा भी कमाती थी। उस पैसे से वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से सुनील एक नारियल बेचने का व्यवसाय चला रहा था और सुधीर कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन सुनील अपने भाई के पास आया और बोला, अरे भाई, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं। कोई काम किए बिना घर बैठने से काम नहीं चलता। ओह हाँ, अब आप तो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। सुनील सुधीर को सुझाव देने के बजाय हर समय उसे चिढ़ाता था। सुनील की यह बात लीला को पसंद नहीं आती थी। हे भगवान, इसे तो और कुछ काम ही नहीं है, ये तो बस सुधीर को चिढ़ाता रहता है। इसका मुंह बंद करने के लिए सुधीर को कुछ काम करना शुरू करना होगा। ये तो और भी लोगों के पास जाके ये सब बातें करेगा और बाकी सब लोग भी सुधीर को चिढ़ाने लग जाएंगे। इन सब बातों से परेशान एक दिन जब वह अपने विचारों में खोई हुई मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक एक संत ने कुछ कहना शुरू कर दिया। अपने पति की चिंता मत करो। और तुरंत लीला उनके पास चली गई। संत ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके हाथों में एक छेद वाला करछुल दिखाई दिया। यह करछुल लो और अपने पति को दे दो, इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वह इसे ले रही थी तो उसके मन में एक सवाल आया, स्वामी जी, इस करछुल के साथ मेरे पति क्या कर सकते हैं? बेटी, भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस इतना कहकर संत लीला को घर भेज देते हैं। लीला ने यह सोचना बंद नहीं किया कि करछुल उसके पति के लिए कैसे उपयोगी होगा। सुधीर ने अपनी पत्नी के हाथों में करछुल को देखा और उसे लेने और देखने के लिए दौड़ पड़ा। लीला, तुमने क्या खरीदा है? एक करछुल? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यह करछुल कोई साधारण नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा यह करछुल तभी काम आएगा जब इसका उपयोग आप खुद करेंगे, तभी ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हमारे गांव के संत ने यह बात स्वयं मुझे बताई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि करछुल एक जादुई चीज है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वह जादुई है या नहीं, लेकिन ये कैसे उपयोगी बनेगा यह हमारे पर निर्भर है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, चलो इस करछुल को किसी तरीके से आजमाते हैं ताकि पता चल सके। हाँ, ये ठीक है, अच्छा विचार है, चलो करते हैं। तो इस तरह से सुधीर करछुल को पकड़ता है। लीला विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए हर चीज को कम से कम मात्रा में तैयार रखती थी जिसे करछुल के साथ परोसा जा सके। सबसे पहले उसने समोसे को तलने के लिए गरम तेल में डाला। सुधीर ने समोसे को तलने के लिए करछुल का इस्तेमाल किया और उसे तेल से बाहर निकाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मिर्च उठाई और तेल में डालकर उसे तलने दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था हमेशा की तरह। तीसरी बार जब वह जलेबी बना रहे थे और तलने के लिए उन्होंने करछुल का इस्तेमाल किया, हालांकि शुरू में तो बस चार ही जलेबी थी, लेकिन अचानक सैकड़ों जलेबियां तेल से बाहर निकलना शुरू हो गईं। सुधीर और लीला दोनों इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें तब उस करछुल की शक्ति का एहसास हुआ।
अरे लीला, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बाप रे, बस एक नजर डालो। और सुधीर ने घर की ओर देखा तो वहाँ सैकड़ों जलेबियाँ थीं। सुधीर तो उन सबको देखकर हैरान ही रह गया। अरे लीला, हम इसे कैसे खा सकते हैं? हे भगवान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इन सभी जलेबियों को हम खा सकते हैं? मुझे लगता है हमें एक काम करना चाहिए। हम इन सब जलेबियों को गांव में जाकर बेच सकते हैं। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा। उस पैसे से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि संत ने मुझे क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जलेबी को गांव में बेचना चाहते हैं, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी गांव के लोग इसे खरीदेंगे। जैसा कि सुधीर ने कहा, उन्होंने जलेबी का स्वाद चखा। उन्होंने तुरंत तय किया और पहिया गाड़ी में गर्म जलेबी की व्यवस्था की और उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में चले गए। जलेबी ले लो, ताजा ताजा गरम गरम जलेबी। इस तरह वे गांव में चले गए। जलेबी की सुगंध ने ग्रामीणों को उनसे जलेबी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय सुनील अपने रास्ते पर लोगों के एक समूह को देखकर सोचने लगा। अरे यह सब क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वाह वाह, यही सही जगह है मेरे नारियल को बेचने के लिए। उसने ऐसा सोचा और वहाँ चला गया। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने खुशी खुशी जलेबी बेचते हुए सुधीर और लीला को वहाँ देखा। अरे ये लोग कैसे इस जलेबी को बेच पा रहे हैं? वे जलेबी बनाने का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इतनी सारी जलेबियां इन्होंने कैसे बनाई? अरे ये तो संभव नहीं है, ये कुछ तो अजीब है, मुझे जांच करनी चाहिए। जब वह ऐसा सोच रहा था, एक ग्रामीण जो सुनील को पार कर रहा था बोला। अरे सुनील, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने भाई से सीखो, वे तुम्हारी तरह सभी लोगों को बेस्वाद नारियल पानी और इतना महंगा बेचकर धोखा नहीं दे रहा है। वह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और लजीज भी है। ग्रामीणों की टिप्पणियों को सुनकर और अपने भाई सुधीर की सफलता को देखकर सुनील को ईर्ष्या होने लगी। इस तरह अपमानित होने के बाद सुनील सुधीर और लीला का पीछा करने लगा, जब तक कि वे घर वापस नहीं आ गए। सुनील खिड़की के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अपने भाई और लीला को सुनने लगा। देखो लीला, हमने इतनी कमाई की, क्या आज रात हमारे लिए ये सारे पैसे गिनना संभव है? अरे हाँ, चलिए एक साथ गिनती शुरू करते हैं। तो इस तरह से वे दोनों गिनती पूरी कर लेते हैं और उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगती है कि उन्होंने एक दिन में 8,000 रुपए कमाए और वह बहुत खुश थे। लीला, चलो हम इनमें से 6,000 रुपए मेरे भाई सुनील को दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी। मुझे पता चला कि उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा है, यदि हम इससे देकर उसकी मदद करते हैं तो इससे उसे एक अच्छे व्यापारी से अच्छे नारियल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, फिर उसका व्यवसाय अच्छा हो सकता है और उसका परिवार खुशहाल रह सकता है, क्या कहती हो? जी ये ठीक नहीं है, वो हमेशा आपको टोकता रहता है और आपको बेकार समझता है, और आपने देखा नहीं आपको कैसे चिढ़ाता है वो? आप क्या भूल गए हैं, हम अब पैसा कमाने में सक्षम हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं।
और फिर सुनील शुरू से ही सुधीर और लीला को सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी दूसरे विचार के वह सीधे अपने भाई सुधीर के पास चला गया और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। जैसे कि सुधीर ने सुनील की मदद की, इससे सुनील का जीवन आसान हो गया था और उसने अपना व्यवसाय उचित स्थिति में कर भी लिया था। यहाँ तक कि सुधीर और लीला ने जलेबी बनाना जारी रखा और उन्हें रोजाना गांव में बेचा और पर्याप्त पैसा कमाया। इसी तरह उनका जीवन बहुत सरल हो गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किसी दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बदले में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा।